नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूसरी इकाई का विधिवत शुभारंभ किया। इस इकाई के निर्माण पर 239 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं और इसमें 600 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में दूसरी इकाई स्थापित करने के लिए सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से आज हिमाचल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर अपना भी काम करे और प्रदेश के विकास में भी योगदान दे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी एक इनिशिएटिव लिया जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, जब हमने इस चीज को देखा कि बहुत सारे प्रदेश अपने अपने प्रदेशों में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हिमाचल को क्यों पीछे रहना। भले ही हम छोटे प्रदेश हैं लेकिन उसके बावजूद हमको प्रयत्न तो करना चाहिए, आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 7-8 नवंबर 2019 को और धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में आकर के हमको आशीर्वाद दिया और उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी, जहाँ लगभग हमारे 96,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के पश्चात एक महीने के अंदर बहुत छोटे समय में हमने यूनियन होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को बुला करके शिमला में ग्राउंड ब्रेकिंग की। 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने एक महीने के अंदर कर दी। और मुझे खुशी है कि कुछ हम और ज़्यादा, जब कोविड का दौर थोड़ा कम हुआ है पूरे देश भर में और प्रदेश में भी, तो ऐसी स्थिति में हम अब सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग फिर से जो है एक महीने या डेढ़ महीने के अंदर अंदर हम हिमाचल प्रदेश पे करना चाहते हैं। एक महीने के अंदर हमने टारगेट रखा है उसकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए 269 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भारत सरकार से स्वीकृत कराने में सफल रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का मामला भी भारत सरकार से उठाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश को ये पार्क शीघ्र स्वीकृत होगा, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 15,000 से 20,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है तथा शीघ्र ही इसे भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि COVID-19 संकट के कारण विकास तथा औद्योगिक निवेश की गति पर प्रभाव पड़ा, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और आज भारत विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोगों को स्वदेशी टीका लगाने वाला पहला देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हिमाचल में 100% पात्र लोगों को COVID-19 से बचाव के लिए प्रथम डोज लगाई गई है, जबकि 90% से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत देर सायं शिमला के समीप कुफरी में रेडियो ऑरेंज के शिमला चैनल और बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2021 के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में रेडियो सूचना संप्रेषण और मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रसारण का सबसे पुराना माध्यम होने के बावजूद आज भी रेडियो आम जनता के बीच उतना ही लोकप्रिय है। टेलीविजन के आने के बाद रेडियो की लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन FM चैनलों ने रेडियो को पुनर्जीवित कर दिया है और यह जनता के बीच विशेष रूप से युवाओं में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रेडियो ऑरेंज न केवल श्रोताओं का मनोरंजन करेगा बल्कि शिक्षा, ज्ञान और नवीनतम जानकारी का भी प्रसार करेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में रेडियो, खासकर FM चैनल, संचार का और भी प्रभावी माध्यम बन गया है।
स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज मन की बात जैसे कार्यक्रमों के प्रसारण से रेडियो ने हमारे जीवन में विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऑरेंज एफएम हिमाचल के परिवेश के अनुरूप सार्थक और उपयोगी कार्यक्रम तैयार कर प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु, मध्यम और बड़े उद्यमियों को समाज में उनके योगदान और आर्थिक विकास के लिए सम्मानित और प्रोत्साहित करने की दिशा में रेडियो ऑरेंज के ये प्रयास सराहनीय है और यह युवा उद्यमियों को अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, भले ही टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि आज रेडियो का महत्व जो है वो पहले से कम नहीं हुआ है, पहले के बराबर ही नहीं बल्कि उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा संकट जो जिस दौर में समाज के इसमें निकल रहे हैं, ये कोविड का दौर, सरकार के माध्यम से जो व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती थी वो तो हम कर ही रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी और हम लोगों ने भी कमी नहीं छोड़ी। जब हमारे सामने प्रश्न ये आ गया था कि आदमी की जिंदगी महत्वपूर्ण है या काम महत्वपूर्ण है, हमने कहा कि पहले जिंदगी, जिंदगी से महत्वपूर्ण, जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है। आदमी के जीवन को बचाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमने सारे समाज को कहा कि जो भी व्यक्ति इस वक्त जिस रूप में मदद कर सकता है, सहयोग दे सकता है, वो आगे आए। और हमारे इंटरनेट जो है वो बहुत सहजता से, बिल्कुल जोर के साथ, जोश के साथ आगे आए और बहुत बड़ा सहयोग दिया, पूरे देश भर में भी दिया और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस बड़े संकट के दौरान रहा है। इसके लिए भी मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया और देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज को आगे ले जाने में उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला बिलासपुर के कामधेनु हितकारी मंच नमहोल को सर्वश्रेष्ठ दुग्ध सहकारी समिति के रूप में गोपाल रतन पुरस्कार के लिए चयनित होने पर शुभकामनाएं दी है। समिति को यह पुरस्कार भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की ओर से प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामधेनु हितकारी मंच 5,445 सक्रिय कृषक सदस्यों के साथ प्रदेश की अग्रणी समिति है और इस समिति का सर्वश्रेष्ठ दुग्ध सहकारी समिति वर्ग में देश के प्रतिष्ठित गोपाल रतन पुरस्कार के लिए चयनित होना समिति से जुड़े सभी किसानों के लिए सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में डॉक्टर रविंद्र कुमार ठाकुर की दो पुस्तकों पहाड़ी काव्य संग्रह दिलुड़ोए चशूल एवं हिंदी काव्य संग्रह आत्मबोध का विमोचन किया। लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहाड़ी काव्य संग्रह प्रदेश में पहाड़ी बोली को प्रोत्साहित करने में कारगर सिद्ध होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 958 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 49 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 908 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 38,26,713 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 35,99,190 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,26,601 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,21,928 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 835 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस संग में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।